मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी क्रम में कटनी जिले की सबसे चर्चित कही जाने वाली विजया राघवगढ़ विधानसभा में स्टार प्रचारक बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी पहुंची। यहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बीजेपी प्रत्याशी संजय पाठक के लिए वोट मांगने नहीं बल्कि उन्हें जीत की बधाई देने आई हूँ। यहाँ की जनता से अपील है कि वो कांग्रेस के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। पूरे समय भाषण में राम मंदिर और केंद्र सरकार की योजनाओं और मोदी के गुणगान स्मृति ईरानी करती रही। इस दौरान स्मृति ईरानी ने सभा में उपस्थित जनों से संजय पाठक को जिताने और विधायक बनाने की बात कही। के बारे में जब देश की और मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा होती है तो लोग कहते हैं संजू भैया कुछ भी कर सकते हैं। एक बार ठान ले तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जो संजू भैया पूरा ना करे। सच कह रहे हो कि नहीं कह रहे? सच कह रहे हो कि नहीं कह रहे? एक चीज लेकिन संजू भैया नहीं कर पाए, एक ही चोटी का जोर लगा दिए लेकिन राहुल गांधी को नेता नहीं बना पा रहे। नहीं कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? अब एक संजय महाभारत में भी थे। युद्ध जब हो रहा था तो संजय के महाभारत में क्या भूमिका थी? जिस राजा को कुछ नहीं दिख रहा था उस राजा को बतला रहे थे कि राजा के पुत्र के माध्यम से जो पाप हुआ उसकी वजह से जो युद्ध हुआ उस युद्ध में राजा की और राजा के उस पुत्र की कौरव की क्या हालत है। सही बोल रहे हो? लेकिन ये कलयुग है, वहां पर तो संजय जी बता रहे थे राजा को कि कौरव की क्या हालत है। ये कलयुग है, यहाँ के संजय ने सोचा कि कौरवों के पास क्या काम है मेरा, मैं पांडवों की नींद पर आता हूँ और जनता का सेवक बनता हूँ। ये मेरा सौभाग्य कि हर घर के आंगन की तुलसी आज देश की बहू और बेटी केंद्रीय मंत्री बन के आज पूरे देश की सेवा कर रही है। स्मृति जी जो है वो प्रचार करने कम और मुझे आशीर्वाद देने जाना है। उन्होंने खुद उत्तर दिया, बोला कि संजय वैसे तो संजू भैया बोले थे लेकिन मैं तो संजय ही बोलूँगा कि संजय मैं तुमको आशीर्वाद देने आई हूँ बड़ी बहन। ये मेरा सौभाग्य, क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की माताएं, क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग बहनें, इन सबका तो आशीर्वाद मिल ही रहा करो। साथ साथ केंद्रीय मंत्री और परम आदरणीय स्मृति देवी का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इनके आने से मेरे को मेरे क्षेत्र वालों के ढांढस से बनता है कि जीवन में जब कभी केंद्र सरकार से कोई भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास संपर्क संबंध ऐसे ही सही 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 जिसका लाभ मुझे विधानसभा। मैं भाई हूँ, मैं खुश हूँ।